गुजरात चुनाव के मद्देनजर सियासी पारा काफी गर्म है। मोदी राज में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह की कंपनी टेंपल इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड का टर्नओवर 16,000 गुना बढ़ा है। इसी खबर पर कांग्रेस हमलावर है और बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है। तो वहीं केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस मामले को लेकर, तो उसके बाद यूपी सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और योगी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ भी अब सामने आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और भाजपा इस मुद्दे को लेकर दो दो हाथ करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे के बजाव में सिद्धार्थ नाथ सिंह जमकर बोले। उन्होंने कहा कि बहुत से न्यूज पोर्टल आ गए हैं जो सेंसेशनल न्यूज पब्लिश करके अपना पोर्टल चला रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर बोलना शुरू किया। योगी के मंत्री ने कहा कि ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी नाम का ये बालक अभी बड़ा ही नहीं हो रहा है, वे अभी भी डायपर में रहकर बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर राहुल गांधी बेहद हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। इसी खबर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए ट्वीट करते हुए कहा, मोदी जी जैसा ज्यादा खा गया, आप चौकीदार थे या भागीदार, कुछ तो बोलिए। जबकि इस मामले पर कांग्रेस उपाध्यक्ष ने इसके पहले भी एक ट्वीट करते हुए कहा था कि आखिरकार हमें नोटबंदी का एक मात्र लाभार्थी मिल गया, यह आरबीआई गरीब या किसान नहीं है, यह नोटबंदी के शाह इंसान हैं, जय अमित। वहीं 15 दिन में दूसरी बार गुजरात के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा सरकार 10 से 15 उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, गुजरात में गरीबों का इलाज और बच्चों की पढ़ाई मुश्किल है। इसके साथ ही उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि राजस्थान में गहलोत सरकार ने मुफ्त में इलाज शुरू किया था, हमारी सरकार आने पर वैसा ही गुजरात में होगा। उन्होंने एक बार फिर से विकास का मुद्दा उछाला और लोगों से पूछा, गुजरात में विकास को क्या हुआ, ये कैसे पागल हुआ, गुजरात में झूठ सुन सुनकर विकास पागल हो गया है।